हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के अंतर्गत वर्तमान में कौन क्या है। यह टॉपिक करंट अफेयर के अंतर्गत बेहद इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 की सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी की गई हैं, और साथ ही में हम देखेंगे हाल ही में जितने भी कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं, कैबिनेट मंत्री का परिवर्तन किया गया है, तो नए जितने भी कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देखेंगे। और साथ ही में हम देखने वाले हैं संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख, निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के प्रमुख और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, संसदीय प्रमुख, केंद्रीय बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, जो भी मैंने बताया, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में दो प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी कौन है। ये सभी आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो ये रामनाथ कोविंद है और यह 14वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है और यह 13वें नंबर के हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, जो भारत में पद होता है वो प्रधानमंत्री का सबसे ऊपर होता है। वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक अधिकारी, लेकिन जो कार्यकारी पद होते हैं वो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर इस हिसाब से मैंने नंबरिंग किया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, 15 प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन सभी को आपको पद के साथ में यहाँ पर ये संख्या याद रखनी है कि कौन से नंबर के ये सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यायिक प्रमुख दिया गया है, तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं N.V. रमणा और ये अभी नियुक्त किए गए हैं नए, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये 48वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग भी आपको याद रखनी है कि ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ पर न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत महान्यायवादी होते हैं, तो ये कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है K.K. वेणुगोपाल। तो इन सभी दोनों न्यायिक प्रमुख को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। अब हम देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, तो ये हैं सुशील चंद्र। और यहाँ पर दो निर्वाचन, ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और भारत के दो निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार। इन दोनों लोगों को नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुशील चंद्र। और निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये दो लोग हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। नेक्स्ट हम देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। यहाँ पे चार प्रमुख हैं सशस्त्र सेनाओं में, आपको इन सभी चारों लोगों के नाम याद रखने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये नए नियुक्त किए गए हैं, ये नया पद बनाया गया है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये कौन है, ये जनरल बिपिन रावत हैं। ये सभी चारों जो यहाँ पर ये नीचे तीन पद दिए गए हैं, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, यह इनके भी समन्वय स्थापित करते हैं, तो यह इन सभी के तीनों के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ऊपर रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पहली बार नियुक्त किए गए हैं, नया पद बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कहते हैं। और ये नए जो भी पहले नियुक्त किए गए हैं ये हैं जनरल बिपिन रावत। और यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर ये CDS पहले नंबर के हैं, नंबरिंग भी आपको ध्यान रखनी है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं कर्मवीर सिंह और ये 14वें नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यह 24वें नंबर के हैं। और यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष ये कौन नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं, जो भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं वो 26वें नंबर के हैं और ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें नंबर के हैं, तो आपको यहाँ पर ये नंबरिंग भी ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। और नौसेना अध्यक्ष कर्मवीर सिंह है और ये 24वें नंबर के हैं। तो ये सभी स्टाफ चारों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के प्रमुख कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ महालेखा
नियंत्रक कौन है? तो सीजीए जिन्हें कहते हैं, ये हैं सोमा राय वर्मन। तो यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित इन दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रमुख अब हम देखने वाले हैं। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो प्रमुख हैं यहाँ पर हम वो पहले देखते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जो है वेंकैया नायडू। और ये भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद के साथ ही पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो इस पद के साथ ही वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, वो राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये हैं हरवंश नारायण सिंह। इन दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखने वाले हैं संसदीय प्रमुख में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। इन दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये है शशिकांत दास। और आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, पहले हैं एम के जैन, और दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और टी रवि शंकर। इन चारों नाम को ध्यान रखना है, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल देव पात्रा और टी रवि शंकर। और जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ये पॉइंट आपको आरबीआई से संबंधित ध्यान रखना है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट शब्द हम देखने वाले हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है इस समय? तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हैं इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। और यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका भी हाल ही में यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये थे एन के सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हम देखने वाले हैं सभी कैबिनेट मंत्री। हाल ही में कैबिनेट मंत्री नए नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए गए हैं, किस विभाग के लिए? तो ये हम सभी इस वीडियो में अब डिटेल में जानेंगे। तो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? तो यहाँ पर आपको ये सभी विभाग ध्यान रखने हैं। कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नरेंद्र मोदी के यानी भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा विभाग आता है और अंतरिक्ष विभाग। और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रालय को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी मंत्रालय नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हम देखने वाले हैं रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो राजनाथ सिंह बनाए गए हैं रक्षा मंत्रालय के प्रमुख। और यहाँ पर गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ये किसके अंतर्गत है? तो ये अमित शाह के अंतर्गत है गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और नितिन जयराम गडकरी के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है? तो इनके अंतर्गत है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? नितिन जयराम गडकरी। और यहाँ पर वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो ये है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यहाँ पर ये महिला प्रमुख है। तो इनके मंत्रालय आप जरूर ध्यान रखिएगा। डी वी सदानंद गौड़ा इनके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है? तो ये है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय आता है नरेंद्र सिंह तोमर के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर विदेश मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो ये है विदेश मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो ये है सुब्रमण्यम जयशंकर। जयशंकर है डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। और यहाँ पर अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी इनके अंतर्गत आता है ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आता है स्मृति ईरानी के अंतर्गत। और यहाँ पर नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान इनके अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत आता है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो पीयूष गोयल के अंतर्गत यहाँ पे तीन विभाग आते हैं, तो ये तीनों विभाग आपको ध्यान रखने हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। ये तीन मंत्रालय आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे प्रहलाद जोशी के अंतर्गत भी तीन मंत्रालय आते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। नेक्स्ट है यहाँ पर नारायण तातु राणे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME, इसके ये मंत्री हैं। और नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, इनके अंतर्गत ये किस विभाग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। गिरिराज सिंह, और ये किसके मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के ये प्रमुख हैं गिरिराज सिंह। सर्वानंद सोनोवाल, ये हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्री। इसके अलावा आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय यानी आयुष के भी मंत्री यही हैं सर्वानंद सोनोवाल। और यहाँ पर दो मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। वीरेंद्र कुमार हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इन वीरेंद्र कुमार के अंतर्गत आता है। और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये हैं नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री, तो ये नए नियुक्त किए गए हैं, तो आपको इन्हें जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके अंतर्गत आता है इस्पात मंत्रालय। पशुपति कुमार पारस, इनके अंतर्गत आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। किरण रिजू के अंतर्गत आता है कानून एवं न्याय मंत्रालय। और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, इनके अंतर्गत आता है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके अंतर्गत आता है जल शक्ति मंत्रालय। और यहाँ पर राजकुमार सिंह, इनके अंतर्गत आता है बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय ध्यान रखिएगा, ये न्यूज में चर्चा में काफी चल रहे हैं। तो श्री राजकुमार सिंह इसके प्रमुख हैं, इसके मंत्री हैं किस विभाग के, तो बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट है यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, इसके प्रमुख हैं, किसके प्रमुख हैं ये, पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दो मंत्रालय के प्रमुख बनाए गए हैं हरदीप सिंह पुरी। और यहाँ पे भूपेंद्र यादव है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये दो मंत्रालय आते हैं भूपेंद्र यादव के अंतर्गत। पुरुषोत्तम रूपाला, इनके अंतर्गत आता है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चौथा है मनसुख एल मंडाविया, इनके अंतर्गत दो मंत्रालय आते हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडेय के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है, तो ये है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। जी किशन रेड्डी, इनके अंतर्गत आता है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, तो ये तीन मंत्रालय आते हैं। जी सतीश रेड्डी के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है यहाँ पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनके अंतर्गत आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, तो ये नए नियुक्त किए गए हैं, आपको इन्हें जरूर ध्यान रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर के अंतर्गत आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अन्य नियुक्तियां जो भी की गई हैं, कुछ CEO या अधिकारी जिस भी प्रमुख बनाए गए हैं उन सभी को अब हम देख लेते हैं एक एक करके। व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये किए गए हैं परेश बी रावल, यह काफी न्यूज में चर्चा में रहा है, विवादों में रहा है यह टॉपिक, ये अधिकारी की नियुक्ति, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी बनाया है तो ये है परेश बी लाल। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये है स्फूर्ति प्रिया। हाल ही में अमेज़न कंपनी के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये है NDJC। CBI का नया डायरेक्टर कौन बनाया गया है, तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल, CBI के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये है सामंत कुमार गोयल। वर्तमान में IV यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये है अरविंद कुमार हैं। और हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाह समूह के सदस्य के रूप में नामित किसे किया गया है,
ये है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये सभी नियुक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे INCB के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जगजीत पवाड़िया। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मुसे डू लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है लॉरेंस डेस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये है अजय माथुर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में। बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत गुरुग्राम के हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है सामिया सुलुहु हसन। ये पहली महिला राष्ट्रपति है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तंजानिया की है सामिया सुलुहु हसन। यहाँ पर नेक्स्ट है हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है तेलंगाना की। और यह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका? हिमा कोहली। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक को के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है MA गणपति। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आतिश चंद्र। नेक्स्ट है UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सौरभ गर्ग। हाल ही में NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये है तरुण कुमार। रेशमा मरियम राय किस राज्य की सबसे युवा पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है केरल की। नेक्स्ट है हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये है सोमा मंडल। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला प्रमुख बनाई गई है सेल की। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और सेल की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1954 को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुनील शर्मा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये है परेश रावल। और यहाँ पर नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है सिद्धार्थ सिंह लुकजांग। नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नाडा की स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है नफ्ताली बेनेट। ध्यान रखना है हाल ही में इसराइल ब्योदो में रहता है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री नए नियुक्त किए गए हैं नफ्ताली बेनेट। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है कपिल देव। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये है अरुण कुमार मिश्रा। ध्यान रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं ये अरुण कुमार मिश्रा। किसे विश्व व्यापार संगठन WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है इंगाजी आकोजो इवेला। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पर WTO की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये है कुलदीप सिंह। इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देख ली हैं, जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं उन सभी को देख लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।